हेलो गर्ल्स एंड बॉयज फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेकर आया विज्ञान विषय की पार्ट जो ना जिसका प्रकरण है क्रिस्टलीकरण। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो फ्रेंड, सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ योजना डायरी है उसके ऊपर ऊपर आपको पाठ योजना का क्रमांक लगा लेना, जो भी आपके पाठ योजना का क्रमांक है। उसके पश्चात में जिस दिनांक को आप बना रहे वो दिनांक, कक्षा, विषय, दिनांक वगैरह सारी खाना पूर्ति आप कर लेना। जिस विद्यालय में आपका प्रश्न प्रोग्राम चला है उस विद्यालय का नाम आपको उसमें लिख लेना है। मित्रों, प्रकरण का नाम है क्रिस्टलीकरण। इसके पश्चात आपको लगाने शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहार के परिवर्तन दो कलम तैयार कर लीजिए। आप इस नाम से ये दो कलम तैयार करने के पश्चात देखिए, मैंने आपको छह शिक्षण के उद्देश्य और इससे संबंधित अपेक्षित व्यवहार का परिवर्तन लिखा है। ध्यानपूर्वक छह शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहार का परिवर्तन को आप लिख लिए। पहला है जैसे ज्ञान उपयोग, द्वितीय अवबोध, तृतीय चतुर्थ कौशल, पांच अभिरुचि, छठवा अभिरुचि, इस प्रकार से छह शिक्षण के उद्देश्य इनको आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। इसके पश्चात आपके नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है, वो है चौका, जो सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के आपके अंदर आप लिखेंगे चौक हो जाएगा, डस्ट हो जाएगा, शाम पड़ जाएगा, लपेट प्लक हो जाएगा, इसके अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाएगी। नेक्स्ट जो आपका सिग्नल बिंदु है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी क्रिस्टलीकरण के बारे में पूर्व में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न के अंदर आपको दो कलम तैयार कर लें, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है फ्रेंड, आपकी पाठ योजना सबसे महत्वपूर्ण भाग है। जितना अच्छा आप प्रस्तावना प्रश्न तैयार करेंगे आपकी पाठ योजना उतने क्षेत्र में प्रभाव पर निकल के आएगी। जो प्रस्तावना प्रश्न इसके अंदर आपको कम से कम चार या पाँच प्रश्न बच्चों से पूछने होते हैं, बच्चों द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाते हैं और अंत के अंदर आपके द्वारा एक समस्यात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इसके पश्चात नेक्स्ट हेडिंग आपके प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको छह कलम तैयार कर लें, सिग्नल बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक सामग्री, शाम पट कार्य वगैरह और सहायक वगैरह सारी चीजें। और इसके अंदर देख पहला सिग्नल बिंदु आपका क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं, इसकी मैंने देखे मैं इसके विकासात्मक प्रश्न लिखा है। आपको छात्र अध्यापक कथन भी लिखा है कि क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है जिसके कारण प्रक्रिया में किसी पदार्थ में विलयन में उसके शुद्ध या बड़े क्रिस्टल प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में नया पदार्थ नहीं बनता है अपितु उसी पदार्थ के क्रिस्टल बन जाते हैं। इस प्रकार जैसे हो जाएगा साधारण नमक समुद्र से वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, मैंने आपको इसका जो छात्र अध्यापक कथन है या छात्र अध्यापक जो कॉलम है वो मैंने ध्यानपूर्वक कंप्लीट करवा दिया है। इसका जो क्या क्या चीज़ें क्रिस्टल किसे कहते हैं उसकी सारी जानकारी मैंने इसके अंदर दे दी है। जो शाम पट कार्य वगैरह कॉल वो भी मैंने कंप्लीट कराया, ब्लैक चार्ट लगाया। इसके अंदर जो मैंने आपको छात्र अध्यापक कथन लिखा है मातृ मातृ मैंने इसके अंदर लिखा दिए। इसके जो बोधात्मक प्रश्न है वो बोधात्मक प्रश्न भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। द्वितीय शिक्षण बिंदु आपका निकलता है क्रिस्टलीकरण का उदाहरण। क्रिस्टलीकरण के उदाहरण से संबंधित विकासात्मक जल प्रश्न लिखा है मैंने। जल को गैस में परिवर्तन होना कौन सा परिवर्तन है, बच्चे भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण दीजिए किसी क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे समस्यात्मक प्रश्न जाएगा उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो नेक्स्ट इसका जो छात्र अध्यापक कथन उसके अंदर देखिए मैंने सारी चीज़ इसके अंदर लिखा दी। जैसे किसी पदार्थ के क्रिस्टल के उदाहरण निम्न होते, जैसे फिटकरी का विलयन में फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा धागे की सहायता से बांध कर लटकाते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं फिटकरी का टुकड़ा बड़ा हो जाता है। ऐसे छोटे छोटे क्रिस्टलों के फिटकरी के टुकड़े में जमा होने को ही क्या कहा जाता है, क्रिस्टलीकरण या जमा इसलिए होते क्रिस्टलीकरण के कारण होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए मैंने इसके अंदर दो सैंपल कार्य वो भी कंप्लीट कराया दे। इसके जो छात्र अध्यापक कथन वो भी कंप्लीट करा दे। जो बोधात्मक प्रश्न है उन बोधात्मक प्रश्नों को भी आप लिख लीजिए। जो बोधात्मक प्रश्न के बारे में आपको होता है जो बोध प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक अध्यापक द्वारा इसलिए पूछा जाता है कि उसने जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाए उसमें बच्चों का देने का आकर्षित होकर लगा रहे हैं, बच्चों का ध्यान इधर उधर भटके नहीं, इस वजह से बोधात्मक प्रश्न छात्र अध्यापक अध्यापक द्वारा बच्चों से पूछे जाते हैं। फ्रेंड, इसके पश्चात में आता है आपका क्रिस्टलीकरण के उपयोग। तो क्रिस्टलीकरण के क्या क्या उपयोग है इसके बारे में देखिए चर्चा करेंगे। तो इसके जो विकासात्मक प्रश्न है विकासात्मक प्रश्नों को आप ध्यान पूर्वक लीजिए। क्रिस्टलीकरण के जो उपयोग है उसके अंदर छात्र अध्यापक कथन में आप लिखेंगे क्रिस्टलीकरण का उपयोग समुद्र से प्राप्त नमक को शुद्ध करने में किया जाता है। और इसको जैसे और भी क्या होता है, जैसे फिटकरी के छोटे छोटे क्रिस्टल से बड़ा क्रिस्टल प्राप्त करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके जो प्रमुख प्रमुख उपयोग है मैं प्रमुख प्रमुख उपयोग आपको लिखा दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आप इन सारी चीज़ों को लिख लीजिए। शाम पर कार्य वगैरह भी कंप्लीट करवा लीजिए। जो क्रिस्टलीकरण द्वारा निर्मित क्रिस्टल शुद्ध अवस्था में होते हैं, इस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर लिखा दी। इसके जो बोधात्मक प्रश्न है बोधात्मक प्रश्नों के बारे में मैंने आपको पहले सामान्य जानकारी दे दी। बोधात्मक प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं, किस लिए पूछे जाते हैं, ध्यानपूर्वक आप इन सारी चीज़ों को लिख लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग में जाएगा आपके पुनरावृत्ति प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न। जो पुनरावृत्ति प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न छात्र अध्यापक अध्यापक द्वारा इसलिए पूछा जाता है कि उसे जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाइए, जैसे आपने बच्चों को पढ़ाई हो, बच्चों ने सीखी अथवा नहीं सीखी, कितनी सीखी, इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए ये मूल्यांकन प्रश्न बच्चों द्वारा किए जाते हैं या आपके द्वारा बच्चों से किए जाएंगे। और ये मूल्यांकन प्रश्न आप लघुत्तरात्मक निबंधन किसी प्रकार के तैयार कर सकते हैं। अंत के द्वारा आपको बच्चों को गृह कार्य देना ताकि बच्चे घर पर जाकर आसान से गृह कार्य कर सकें। फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर और भी पार्टी देने की आवश्यकता हो प्लीज समय कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।